लड़का लड़की एक समान आज बने स्वाति कप्तान। मतलब है आप मेरी टीम में आओ और इकू भाई आप भी मेरी टीम में आओ। अरे सहर्ष, हमारी टीम में तो एक सदस्य कम है। ओहो, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, शर्वी दीदी को अपनी टीम में ले लेते हैं। अगर हम लड़कियों को अपनी टीम में शामिल करेंगे तो हमारी टीम कमजोर पड़ जाएगी। ये तुम क्या बोल रहे हो सहर्ष, लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। क्या आप मजाक कर रहे हो? नहीं सहर्ष, दीदी मजाक नहीं कर रही। तो चलो तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। एक थी स्वाति। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों को अपनी रक्षा आप कर सके, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाया जाता था। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति भी जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद लेती। कुछ दिन के अभ्यास से स्वाति जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति भी बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादी दादा गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। वह घबराई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा तो नहीं, बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाए जाने वाले सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका। गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और दो चोर लड़खड़ाते हुए भाग गए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। जब वह अवकाश के बाद स्कूल गई तो पहले ही दिन उसे मंच में बुलाकर
पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। अब समझ में आया ना, लड़कियां किसी से कम नहीं है। हाँ जी भाई, अब मुझे समझ आ गया है। शर्वी दीदी, आप हमारी टीम में मत आओ। तुम यह क्या कह रहे हो सहर्ष? मेरा मतलब है कि आप हमारी टीम में मत आओ, हम आपकी टीम में आएंगे। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे स्वाति ने बिना डरे चोरों को पकड़वाया, आप भी बिना डरे उसी की तरह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। मैं कराटे सीखती हूँ ताकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकूँ। तभी तो कहते हैं, लड़का लड़की एक समान।